हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैपेसिटी प्लानिंग की स्ट्रेटजीज वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट सीरीज़ के बाद ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की दूसरी सीरीज़ है तो इन दोनों सीरीज और आने वाली नेक्स्ट सभी सीरीज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है जिसे आप इस ड्रॉपडाउन एरो को दबा कर चेक कर सकते हैं इन दोनों सीरीज में लगभग सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है जिसकी पी बुक प्रपेयर की गई है अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस पी बुक को परचेज करके हमें सपोर्ट करें बुक को कैसे परचेज करें उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इसके अलावा कैपेसिटी प्लानिंग के टॉपिक पर जो वीडियोस अवेलेबल हैं उसका आपको सीक्वेंस दिया गया है जिसे आप चेक कर सकते हैं कैपेसिटी प्लानिंग में हम इन दो स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सबसे पहले जानते हैं शॉर्ट टर्म कैपेसिटी स्ट्रेटजीज़ के बारे में शॉर्ट टर्म कैपेसिटी कवर करती है शॉर्टर टाइम्स पेन को नॉर्मली एक साल तक के लिए शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी का अल्टीमेट एम होता है डायनेमिक इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से डिमांड में आए सडन चेंजेस को मीट करना मतलब जो भी इकोनमी के अंदर चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम उसकी वजह से डिमांड पर जो चेंजेस आ रहे हैं कभी डिमांड कम होती है कभी ज़्यादा होती है उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना इसमें इन्वॉल्व है डे टू डे प्लानिंग और ये चूज़ करना कि बेस्ट वे कौन सा होगा कैपेसिटी को इनक्रीज़ करने का तो शॉर्ट टर्म कैपेसिटी में हम एक साल के अंदर अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं छोटे मोटे उनके लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग में शामिल हैं ओवर टाइम काम करना डिमांड को मीट करने के लिए वर्कफोर्स को ट्रांसफ़र करना एक काम से दूसरे काम में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उनके स्किल्स या नॉलेज के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन के सीक्वेंस में चेंजेस करना इन्वेंट्री चेंज करना हायर करना ज़्यादा वर्कफोर्स को शॉर्टर टाइम के लिए अपग्रेड करना करंट मशीन में तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि कंपनी शॉर्ट टर्म में अडोप्ट कर सकती है सेकंड है लॉन्ग टर्म कैपेसिटी स्ट्रेटजीज़ इस स्ट्रेटजीज में शामिल है एक साल से ज़्यादा के टाइम फ्रेम के लिए स्ट्रेटजीज बनाना इसमें रिक्वायर्ड है टॉप लेवल मैनेजमेंट की सुजेशनस और अप्रूवल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन जैसे कि इकोनमिक पोलिटिकल टेक्नोलॉजी सोशल कंडीशन एक्सेट्रा ये अफेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग के डिसीजन को मैनेजर सबसे पहले इवेल्युट करे नंबर ऑफ फैक्टर को जब वो लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग करें कुछ फैक्टर जैसे कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए फंड की अवेलेबिलिटी एक्शन टेकन बाय कंपीटिंग फर्म जो भी उसके कंपटीटर हैं उन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए हैं उनके आने वाले टाइम में क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं इनोवेशन की रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी या प्रोसेस में एस्टिमेट करना डिमांड को जो इंक्रीज हो सकती है फ्यूचर टाइम में तो ये थी कैपेसिटी प्लानिंग की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कैपेसिटी प्लानिंग के डिसीजन को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक यू